न मोदी के खरीदे हुए देखो, न मोदी के खरीदे हुए हो, इसीलिए तो कह रहे हो मोदी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नेता है। नहीं कहेंगे। ये बजरंग बली मिट्टी के बर्तनों का पुचकार रहे, कुछ नहीं होता, पाखंडवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। बजरंग बली को नहीं मानते क्या? कौन है बजरंग बली? हम बजरंग बली हो। और आज जब वही बेटी आपके सांसद पर आरोप लगा रही है, उस आरोप को कह रहा है कि ये विपक्ष की साजिश है, चुनाव को देखते हुए धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर। जो मोदी जी कहते हैं मैं सिख रोगों को अनाज देता हूँ, क्या उनकी कोई खेती है, कोई फार्म हाउस है जिसमें वो उगता है? अरे वो भी तो जनता के ही है, उन्हीं का संरक्षण कर रहा है। इस देश में दो कानून लागू कर दिए अंग्रेजों की तरह, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है या कोई अधिकारी उसके लिए अलग कानून है, आम जनता के लिए अलग कानून है। नहीं वोट दे, बीजेपी की बात नहीं करे, वो हिंदुस्तान का आदमी नहीं है, और जो बीजेपी के गीत गाए बस वो हिंदुस्तान। कार्रवाई 2 महीने में भाई यार, दर्ज तो हुई नहीं, कानून पे भरोसा नहीं है? हमें नहीं है भरोसा, कानून में भी उसी का बैठे हैं। कहाँ न्याय दिया कब है उसने, तो अब न्याय मिलेगा देगा वो? अरे लखीमपुर खीरी में नहीं आज तक न्याय मिला, तो अब मिलेगा? संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? क्या संविधान छोड़ा कहाँ है उसने? मणिपुर चल रहा है, वो कर रहा भाई हो बहन हो वोट दो, जय बजरंग बली। मैं कहता हूँ कौन बजरंग बली? देश की जनता यह बजरंग बली है, यह बजरंग बली है। कौन कितनी बेटी बचा दी उसने, कितनी बचा दी इनके, ये बच तो रही है, ये बैठी है आज 2 महीने से बैठी है, बचा दी उसने बेईमानी से, चोरी से। भारत पूरे दुनिया में नाम रोशन हो रहा है, कर दिया हमने, देखा पूरे भारत को बेच दिया, जितनी भी सरकारी नौकरी थी उनको सबको प्राइवेट कंपनियों में जो बेच दिया उसने। मोदी पे क्यों नहीं आरोप लगाएंगे? मोदी ने क्यों नहीं लगाएंगे? मोदी ने कौन सा काम किया? 13 महीने हमारे किसान पड़े रहे, उनके साथ में क्या किया? 750 किसान मारे गए आगे, इसमें क्या किया उसने? 3 काले कानून लिया, अब ये पहलवानों के साथ में कर दिया। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं पहलवानों के समर्थन में आए हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ लोग हरियाणा से, कुछ लोग एमपी से हैं। हम इनसे बात करेंगे कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, इन बेटियों की भी सुन लेंगे, आप लोग को धरना देने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कितनी बेटी बच रही हैं? क्यों पढ़े हैं? कोई पब्लिक पागल हो गई है क्या? कोई और भी आया है या पढ़ने? ऐसे पहले भी कभी आए थे क्या? तो अच्छा काम नहीं कर रहे मोदी? अब बताता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए तो पब्लिक इकट्ठी हो रही है। विश्व पटल पे भारत नाम रोशन कर रहा है, क्या कह रहे थे आप? जब मोदी की सरकार बनी, जब दिल्ली में बलात्कार हुआ, सरकार बनते के साथ ही, इससे बड़ा गुंडा और कौन होगा? अरे दिल्ली में 2012 में हुआ था, आगे सोने में 2012 में हुआ था, बाद भी हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ क्या? क्या हुआ उसके बाद? मोदी पे आप लोग आरोप लगाते हैं? क्यों मोदी पे क्यों नहीं आरोप लगाएंगे? मोदी ने लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? मोदी ने कौन सा काम किया? 13 महीने हमारे किसान पड़े रहे, उनके साथ में क्या किया? 750 किसान मारे गए आगे, इसमें क्या किया उसने? 3 काले कानून लिया, अब ये पहलवानों के साथ में कर दिया, और यूपी में जो है ना 4 किसानों पर जो है ना गाड़ी चढ़ा दी। यूपी में तो रामराज है। कहाँ है रामराज? सबसे बड़ा गुंडा राज है वहाँ। अतीक अहमद को मार गिराया नहीं देखा? किसको मार गिराया? अतीक अहमद। अरे वो तो जातिवाद में कर रहा है वो योगी। तो आप लोग भी तो जातिवाद कर रहे हैं लोग? हाँ जातिवाद कर रहे हैं हम, परिवार बात कर रहे हैं। क्या परिवार बात कर रहे हैं? तो किसान बात, किसान बात कर रहे हैं हम तो। हम तो अपनी बहनों और बेटियों के लिए लड़ने आए हैं। मोदी जी विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन कर, बहुत बहुत नाम रोशन कर दिया, बहुत नाम रोशन कर दिया उसने। हाँ हर हर मोदी कहिए, हम नहीं कहेंगे, हर हर मोदी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्या जबरदस्ती है आपकी? ना आपकी जबरदस्ती है, ना आपकी जबरदस्ती है क्या? हाँ मोदी के खरीदे हुए देखो, ना मोदी के खरीदे हुए हो, इसीलिए तो कह रहे हो मोदी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, पड़ेगा हम नहीं कहेंगे 2024 में भी मोदी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, बेईमानी से, बेईमानी से, बेईमानी से, बेईमानी से, चोरी से, बेईमानी से, चोरी से। भारत पूरे दुनिया में नाम रोशन हो रहा है, कर दिया हमने, देखा पूरे भारत को बेच दिया,
जितने भी सरकारी नौकरी थी उनको सबको प्राइवेट कंपनियों में जो बेच दिया उसने। आप लोग के पास मोदी और अडानी का जो है वो है पिट्ठू। कौन है पिट्ठू? मोदी 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 और अडानी का पिट्ठू है। अच्छा अच्छा, क्या आप लोग बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को? हम नहीं कर रहे बदनाम, आप कर रहे हो। हाँ तुम तारीफ कर लो, हम तो बदनाम कर रहे हैं। हाँ तो मोदी जी पसंद नहीं है? हमें नहीं है पसंद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। कौन इस कितनी बेटी बचा दी उसने? हाँ। कितनी बचा दी इनके? ये बच तो रही है, ये बैठी है। हाँ। ये बैठी है आज दो महीने से बैठी है, बचा दी उसने। हाँ। और मंत्री को बिठा रखा है उसने। अरे ब्रिजभूषण सिंह बहुत बड़े दिग्गज नेता। अरे हमने बहुत देख लिया, गुंडा है वो, बहुत गुंडे। हाँ। तुम्हारी रिश्तेदारी है क्या? रिश्तेदारी नहीं है ये, तुम्हारी बहन नहीं है क्या? ये नहीं है, इनकी बहन है। हाँ। बहन है हमारी? नहीं है बहन है, जब ही तो मोदी की तारीफ कर रही हो, ब्रिजभूषण की तारीफ कर रही हो। मोदी जी का क्या लेना देना इसमें? कैसे नहीं है? ब्रिजभूषण सिंह मंत्री, मंत्री उसका है, मोदी का मंत्री है। आज तक क्यों नहीं इस्तीफा लिया उससे? कानूनी कार्रवाई होने दीजिए, कानून पे भरोसा नहीं। कार्रवाई दो महीने में एफआईआर दर्ज तो हुई नहीं, कानून पे भरोसा नहीं है? हमें नहीं है भरोसा, कानून में भी उसी का बैठे हैं। कौन बैठे हैं उसका? आगे समझो, आप लोग आरोप लगा रहे हैं बस। गा नहीं रहे, हम सही बात कर रहे हैं हकीकत। हाँ क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा आप लोगों को? कहाँ न्याय दिया कब है उसने? तो अब न्याय मिलेगा देगा वो। अरे लखीमपुर खीरी में नहीं आज तक न्याय मिला, तो अब मिलेगा? संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? क्या संविधान छोड़ा कहाँ है उसने? संविधान तो उसने खत्म कर दिया मोदी ने, सब अपना चला रहा है वो संविधान। राम राज बन रहा है? अरे राम राज बन गया, जाओ। हाँ बन गया राम राज। अरे हाँ, क्या बोल रहे हैं? राम भी आतंकवादी बढ़ा दिया बीजेपी ने। हाँ देख रहे हैं यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया, पूरी पूरी बीजेपी गुंडे लुच्चे लफंगिया के उग्रवादी पार्टी है। देश की जनता ने समझना पड़ेगा, जो संसद में फेंकना पड़ेगा, बाहर भगाना पड़ेगा। आप बीजेपी को खार के फेंक देंगे, इतना लोकप्रिय पार्टी है। कौन लोकप्रिय है? लोकप्रिय देश, लोकप्रिय देश की जनता है। हाँ। देश की जनता को राज करेगी अब की बार। हाँ। उनकी किसको बनाएंगे नेता? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसान जमींदार मजदूर का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा देश में। हाँ। जब देश की व्यवस्था सुधरेगी। आप लोग तो बोल रहे संविधान पे भरोसा नहीं है, कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। कानून व्यवस्था ने जो बिगाड़ रही है उसको सुधारने का काम किसान मजदूर करेगा, ये पहलवान बेटे बेटियां करेगी अब। हाँ। एक साल तक तो धरने पे रहे, कुछ तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? माफी मांगी सब पे निश्चित चिन्ना कहा करता हूँ, उसने माफी मांगनी पड़ी देश की जनता के सामने। मांगी थी कि नहीं मांगी थी? सब कहते हैं पूरे दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका। हाँ डंका बज रहा है चोरी में, डंका बज रहा है गुंडे में, डंका बज रहा है बदमाशी में। सब कह रहे हर हर मोदी, हर घर मोदी। हाँ 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 हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हम लोग हर घर मोदी, घर गया मोदी, घर गया मोदी। गुजरात हम कहना चाहते हैं भाई ठीक ठाक सोक्सीन छोड़ कर अपने गुजरात में जाकर जीवन बसर कर ले, नहीं तो देश की जनता तेरे को दफनाने का काम करेगी। आप ऐसा बोलेंगे प्रधानमंत्री के लिए? कहेगा प्रधानमंत्री है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री है? यशस्वी कौन होता है? यशस्वी लाल बहादुर शास्त्री था, यशस्वी जवाहरलाल नेहरू था, यशस्वी राजीव गांधी था, यशस्वी ये जिसको यशस्वी कहते हैं जो जनता का नहीं। कौन आपको भेजा है यहाँ पे? अपने आप आया हूँ। कौन सी पार्टी से है? मैं बहन बेटे का भाई हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। कांग्रेसी है? नहीं ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं इस देश की जनता हूँ। देश की जनता का सवाल करिए प्रधानमंत्री से, जो गुंडे बदमाशों को पालता है वो यशस्वी प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? अरे तो पूरे देख रहे हैं, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, बोल रहा है मोदी जी सबसे। डंका नहीं बज रहा, डंका नहीं बज रहा कहीं भी। ये देखो ना डंका क्या बज रहा, देखो डंका क्या बज रहा। ये तो कह रहे झूठा। देश में संसद के साथ में प्रधानमंत्री के निवास के पास में क्या डंका बज रहा, पूरा संसार देख रहा है। अभी तो चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त है प्रधानमंत्री, सुन लेंगे। है का चुनाव प्रचार मणिपुर चल रहा है, वो कर भाई हो बहन हो वोट दो जय बजरंग बली। मैं कहता हूँ कौन बजरंग बली? देश की जनता यह बजरंग बली है, यह बजरंग बली है, यह बजरंग बली। मिट्टी के बर्तनों को पुचकारने से कुछ नहीं होता, पाखंडवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। बजरंग बली को नहीं मानते क्या? कौन बजरंग बली? हम बजरंग बली, हम बजरंग बली, हम हैं, हम करेंगे इसका इलाज। अच्छा।
हाँ। अभी तो कर्नाटक में चुनाव में व्यस्त है, प्रधानमंत्री आएंगे तो करेंगे सारा। हाँ, क्या करेंगे, वहाँ से भी बैठ कर कर सकता है ना, प्रधानमंत्री है ना, उनका रैली करने का काम थोड़ी ना है। देखते हैं, प्रधानमंत्री की फोटो आपने देखी होगी, अगर वो प्लेन में भी रहते हैं तो कागज देखते रहते हैं। कागज नहीं देखते, वे अपने चौथी पास राजा अपना फोटो। केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं आप, केजरीवाल। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देश की जनता चौथी पास बता रही है। अब कांग्रेस की कह रहे थे, केजरीवाल की कह रहे हैं चौथी पास। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, अभी आप कह रहे थे आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हो, इसको अभी कह रहे हो केजरीवाल की भाषा बोल रहे हो। नहीं, आप कह रहे थे, आप कह रहे थे, आप केजरीवाल भी तो बोला है, केजरीवाल ने बोला चौथी पास राजा। जो जो अगर वो उसके पास डिग्री है ही नहीं, जिस मीडिया को ऐसे बोलेंगे आप? मीडिया बिल्कुल दोगला है, एकदम दोगला है। और कौन मीडिया? सोशल मीडिया भी जनता के नाम पे अपनी बात करते हैं, अपना दिमाग जो है, अपनी जबान लोगों के मुंह। टीवी पे देख रहे हैं, टीवी पे टीवी देखते हैं आप? टीवी कुछ नहीं, टीवी में प्रधानमंत्री कितना, प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ लिखा होता है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट है वो, प्रधानमंत्री का एडवर्टाइजमेंट होता है। टीवी वाले झूठ लिखते हैं सारा, टोटल फिलहाल अराउंड 90% झूठ, 90% झूठ। नहीं वोट दे, बीजेपी की बात नहीं करे, वो हिंदुस्तान का आदमी नहीं है। और जो बीजेपी के गीत गाए बस वो हिंदुस्तान। क्या दिक्कत है, हम तो बोलेंगे हर घर मोदी। अरे मोदी के हर, और वो तो इस तरीके से सारा प्रशासन उनके साथ है, सब घर में चला गया मोदी जाके। अरे सारे लोग उसके साथ, मीडिया उनके साथ है, टोटल तो पहुंचा दिया हर घर में, बाकी तो और कोई मानती नर पिशाचों का गिरोह है ये बीजेपी, नर पिशाचों का गिरोह है ये, नर पिशाच है सारे के सारे। क्या लग रहा है, कब तक न्याय मिलेगा? अभी तक बैठी हुई है, जब मेडल जीत के आती है बच्चियां, तो मेरी बेटी है, आज बेटियों के साथ देखने तक नहीं आया यहाँ पे, उनका तो व्यस्त है ना, अभी व्यस्त कब तक रहेंगे, इलेक्शन में ही व्यस्त रहता है, देश कब संभालेगा, इलेक्शन में व्यस्त रहता है, हर बार जब भी देखो व्यस्त है, इलेक्शन में व्यस्त है, कभी आज वहाँ प्रचार, कल वहाँ प्रचार, प्रचार बदलने में व्यस्त है, ड्रेस बदलने में। अरे जीतेंगे तभी तो बेटियों की बात करेंगे। क्या जीतेंगे, क्या जीतेंगे, क्या जीतेंगे, प्रधानमंत्री है नहीं वो, प्रधानमंत्री नहीं है वो, अभी जीतना बाकी रह गया, क्या जीतेगा वो अब, और क्या जीतेगा, चुनाव प्रचार प्रसार करना होता है, किस लिए करना पड़ता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री बन गया, पूरे देश का नहीं है, 30% लोगों ने वोट दिया था उसको, 70% लोग उसके खिलाफ है, 70% लोग, लेकिन वो फिर भी बीजेपी का प्रधानमंत्री करता है, वो कभी भी नहीं कहता कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री हूँ, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री होकर रह गया, उन्हीं का संरक्षण कर रहा है, इस देश में दो कानून लागू कर दिए इसने अंग्रेजों की तरह, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है या कोई अधिकारी उसके लिए अलग कानून है, आम जनता के लिए अलग कानून है, ये बेटी बैठी ना इसका ये स्पष्ट दिख रहा है, हाँ ये जो बेटियां बैठी ना, ये स्पष्ट दिख रहा है कि दो तरह के कानून हो गए, अगर यही सांसद किसी और पार्टी का होता अब तक जेल में सड़ रहा होता, अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद तो खुले आम घूम रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, सिलाजित की रोटियां खा रहा है, अभी शरण नहीं आनी चाहिए इनको, बेश शरम कुत्ते लोगों को। अरे आप तो ज्यादा भड़क गए, लेकिन मोदी जी मन की बात कर, कौन मोदी, क्या मन की बात, अपने मन की बात करता, हमारी मन की बात सुनता कभी, कभी सुनी हमारे मन की बात उसने, अपने मन की बात करके चला जाता है, इन बच्चे के सुनी, ये बच्चे बैठे उनके मन की बात सुन ली, भड़कने वाले नहीं थे आपने, नहीं तो क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री से आपको, अच्छे प्रधानमंत्री, और कैसे बताऊं, 2014 के बाद भारत सबसे ज्यादा नाम रोशन किया है, क्या नाम रोशन किया, नहीं क्या, एक सेकंड, क्या नाम रोशन किया, 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो, एक मिनट, सिलेंडर, सिलेंडर क्या भाव था 2014 में, सिलेंडर क्या भाव था, क्या भाव था, लेकिन यहाँ बात अब क्या भाव है, अब फिर वो कहाँ गया, पेट्रोल क्या भाव था, डीजल क्या भाव था, कहाँ गया, सरसों का तेल क्या भाव था, कहाँ गया, रोजगार भी तो दे रहे हैं, क्या हो गया, रोजगार भी तो थोड़ा चलने के लिए, रोजगार किसको दिया, रोजगार किसको दिया, रोजगार, अरे ये सिर्फ आरएसएस वालों को रोजगार दिया है, किसको रोजगार दिया, किसको दिया, बीजेपी के जो पार्टी के कार्यकर्ता उनको तो रोजगार मिल गया, उनको तो रोजगार मिल गया, कोई कहीं सेट कर दिया, कोई गोंडा का चेयरमैन बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ WFI के अध्यक्ष बन के बैठ गए, इसका बेटा उसका MLA बन के बैठ गया, सबको रोजगार मिल गया जो बीजेपी के थे, RSS के थे, उसके अलावा 70% लोग नौकरी के काबिल भी तो होना चाहिए लोगों को, अच्छा इन्हीं के लोग, अच्छा इन्हीं के काबिल हैं, इन्हीं के बच्चे काबिल हैं, इन्हीं के लोग काबिल हैं,
और तो 70% लोग पागल हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं। तो आप बोले 70% लोग खुश नहीं है बीजेपी से, लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं आप 2024 में भी प्रधानमंत्री आएंगे। नहीं, एक मिनट, वो तो कह दिया 2064 में भी मैं आऊंगा तो आ जाएगा, आ जाएगा 2024 में। नहीं, आप 64 की बात करो, आ जाएगा क्या? वो तो कह देगा, आप मान लो आ जाएगा, उसके कहने से आगे, उसके कहने सरकार आ गई। लगातार दो बार तो बनी बीजेपी। नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी वो 10 सीट नहीं आएंगे एमपी की, मान लोगे आप? मान लोगे मेरी बात? उनके साथ है ना मीडिया, तो उनके साथ है। सुनो, मान लोगे मेरी बात? मैं कह रहा हूँ उनको 10 सीट नहीं आएंगे एमपी, वो गोदी मीडिया है। मैं एक मिनट, जो मोदी जी कहते हैं मैं सिख लोगों को अनाज देता हूँ, क्या उनकी कोई खेती है, कोई फार्म हाउस है जिसमें वो उगता है? अरे वो भी तो जनता के ही है, वो जनता का माल जनता को दे रहे हैं, तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? 3 घंटे मात्र सोते हैं और पूरा टाइम सब झूठ है, कैमरा लगा। नींद पूरी जरूरी होती है, डॉक्टर भी कहते हैं नींद पूरी, दिमाग खराब हो जाता, पागल हो जाता इंसान, उसको पागल हो चुका है वो इंसान, अगर वो 3 घंटे सोता तो पागल हो चुका है, या वो झूठा है या वो पागल है, दो ही चीज है। अगर तो बीमार है, मानसिक तौर से बीमार रखती है वो, अपना फ्रस्ट्रेशन जनता। अरे उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, जनता परिवार को, परिवार किसको त्यागा? अपनी, सुनो, अपनी 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 पत्नी को त्याग दिया, वो किस लिए त्यागा था? जनता के लिए, जनता के लिए। उस टाइम पे जनता के लिए क्या किया था उसने? कोई आंदोलन किया था बहुत बड़ा? नहीं, कोई आंदोलन किया था क्या उस टाइम पे? कोई ऐसी आपदा आ गई थी देश पे, कोई आंदोलन करना पड़ गया, उसको अपनी पत्नी त्यागनी पड़ गई, क्या किया था? आप बताओ, आपको बताओ। मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने वाले थे, उन्हें लगा कि हमें परिवार की जरूरत नहीं है, हमें हमारा पूरा। तो 42 साल की उम्र में जाकर लड़ा था उसने, 42-47 साल की, उससे पहले छोड़ दी पत्नी, तो 20 साल की उम्र में छोड़ दी थी उसने। जो अपनी पत्नी को छोड़ दे वो आदमी किसका किसका क्या कर सकता? चाय बेच कर उन्होंने प्रधानमंत्री। देखा किसने? देखा आप हर चीज पे गलत ही बोल रहे। किसने देखा चीज पर? श्री राम जी का, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेता है। अरे आपको तो ठीक है, आप तो टीका भी लगा के राम मंदिर बना, सुनिए राम मंदिर बना दिए, सुनिए राम मंदिर, एक मिनट, राम मंदिर बना दिए, श्री रामचंद्र जी के नाम ले रहे हैं, ये श्री रामचंद्र जी का उसके उनके उनके उस पर चल रहे हैं क्या? अपने नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अपने बीबी को छोड़ दिया श्री रामचंद्र जी, बीबी को छोड़ दिए थे क्या? जनता के लिए नहीं बोले थे कि जाओ जंगल में? जनता के लिए वो जत अपने पिता के आज्ञा के पालन किया, अपने आज्ञा के पालन किया, अपने भाई के किस तरह का राजा रहना चाहिए, किस तरह प्रजा को रखना चाहिए, उसने आदर्श दिखाया। यहाँ पे आज से एक दो दिन पहले हिंदू राष्ट्र वाले आए थे, उन्होंने कहा देश को हिंदू राष्ट्र साबित कर दो, मतलब हिंदू राष्ट्र बना दो, तब लड़कियों के साथ कुछ नहीं होगा। सुनिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि संविधान नहीं, आप भी उसमें शामिल हो जाओ। आप कह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि संविधान को पाड़ के फेंक दे, वो ये कहना चाह रहे ना? नहीं, अपना संविधान में क्या लिखा हुआ है? कौन सा राष्ट्र है हमारा? क्या लिखा हुआ है? जो भी किसी भी धर्म के किसी भी जाति के हम भारतवासी, उसमें हिंदू धर्म का कोई जिक्र है? सारे हिंदू संविधान को पाड़ के फेंकना, हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए आ रहे हैं सारे वाले, इसको उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं क्या? संविधान को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं क्या? संविधान की कोई कहीं से भी आप भाजपा पे आ जाते हैं? नहीं, और क्या करूंगा? और कौन कर रहा है? और कौन बात कर रहा है? किसको बोलेगा? और कौन बात कर रहा है सत्ता में? सत्ता में भाजपा, अब मैं 2014 से पहले जाके बोलूंगा किसी को? अब 2014 से पहले जाऊं क्या? 2013 में बोलूं क्या? मैं सारा घटना 2014 2013 में बोलूं क्या? आप लोग के हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बात प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की नहीं है, आप तो प्रधानमंत्री से खुशी नहीं है, इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इतने अच्छे, एक मिनट, इतने अच्छे प्रधानमंत्री। आपने कई बार पूछा है यहाँ से कि प्रधानमंत्री हटाना या नया लाने का विरोध में नहीं है, प्रधानमंत्री हमारी तरफ से कोई नहीं, हमें चाहिए न्याय। नाम यहाँ प्रधान किसी की मांग प्रधानमंत्री न हटाने की है, हमारा क्या फर्क पड़ रहा है प्रधानमंत्री से? फिलहाल कुछ नहीं पड़ता हमें बेट, क्योंकि सवाल जो होता है वो हमेशा संवैधानिक पद से होता है। संवैधानिक पद पर मोदी या राहुल गांधी से तो पूछेंगे नहीं भाई, उसकी ब्रजभूषण की कौन है वो, ब्रजभूषण सिंह की तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, या राहुल गांधी जवाब देगा उसका?
ये जो भी आंदोलन है ये किसी प्रधानमंत्री को ना हटाने का है ना हमारी ये मांग है, हम उसको प्रधानमंत्री लाएंगे चुनाव के समय जो भी बिल्कुल होगा चुनाव के समय। कुछ दिन सबर कीजिए ना, कुछ दिन इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री आएंगे तो आप लोग का न्याय करेंगे, अभी चुनाव प्रचार प्रसार में सब सुनिए 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 अरे रुकिए सर, बाबा डट जा। कभी रामायण देखी आपने? कभी भगवान राम में विश्वास है आपका? हाँ आपको है ना? अरे आप बताइए, हम तो संविधान पे, हम तो संविधान पे, संविधान पे है। चलो हमें भगवान राम पे विश्वास है। जब तीन दिन समुद्र की पूजा की उन्होंने रास्ता देने के लिए, तो चौथे दिन तो भगवान राम का भी संयम डगमगा गया था, उन्होंने भी तीर निकाल लिया था चौथे दिन तो। अरे हम तो आप लोग भी तीर निकालेंगे? अरे हम, हमारा तो तीर लोकतंत्र में है, जो हमसे धरना प्रदर्शन बताइए शांति पूर्वक हो रहा नहीं हो रहा, ये हमारा तीर है। और जो हमारा बजरंग बाण होगा वो हमारी 21 तारीख के बाद दल को बैन करने की बात करिए विपक्षी। अरे वो क्या बयान दिया था मोदी जी ने अभी भावे कर्नाटक में बजरंग बली के सम्मान में? जो बजरंग दल जो बैन करेगा वो बजरंग बली पे वार कर रहा है। अरे सुनिए, और वो जो है ना, एक मिनट, वो जो है ना वो हाँ बजरंग दल जो है वो एक तरीके से उग्रवादी है। अरे छोड़िए, हमें नहीं पता वो क्या है, हमें हम हमारा बजरंग दल से क्या विवाद है, हमारा ब्रजभूषण से विवाद है, फिलहाल हम उस पर बोलेंगे। बजरंग बली जब भगवान राम और लक्ष्मण पर दो बार संकट आया तो संकट मोचन कौन बने? हनुमान जी बने। अरे हनुमान जी को सम्मान दिलावेंगे, जिन्होंने भगवान प्रभु राम के दो बार प्राण बचाए, एक बार लक्ष्मण के और एक बार उनके, फिर संजीवनी बूटी ला के दी। अरे ये कह रहे हैं हनुमान जी के सम्मान में हर चुनाव लड़ेंगे। आज एक सवाल है पूरे देश का, दुनिया का, जितने भी यहाँ पे किसान लोग आए हुए हैं उनसे, कि जिस तरीके से इन बेटी के समर्थन में आप लोग हैं, पहले भी हथरस का कांड हुआ है यूपी में, निर्भया का कांड हुआ है, उस समय आप लोग सब लोग नहीं आए थे, कि आज के बाद से जो भी महिलाओं के साथ होगा आप लोग एकजुट होंगे? हथरस का जो कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सजातीय बंधु थे, उसमें चार लोग थे, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ था, उसमें तीन लोगों को बरी कर दिया गया क्योंकि वह मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोग थे। हाथरस कांड जो हुआ था उसमें बूलगढ़ी गांव में, मैं वहीं का एटा का निवासी हूँ, पड़ोसी जनपद है मेरा, मैं वहां का रहने वाला हूँ, मुझे पता है वहां क्या हुआ था, सरकार ने क्या किया और आज क्या कर रही है। चिन्मय आनंद, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, मुख्यमंत्री यहाँ से कितनी दूर रहते, प्रधानमंत्री यहाँ से कितनी दूर रहते हैं, क्या कभी आकर के पूछा कि देश की बेटी जब गोल्ड मेडल लाती है, देश का नाम रोशन करती है, देश का प्रधानमंत्री चाय पर बुलाता है, साथ में सेल्फी लेता है, कहता है आप मेरी बेटी हो, और आज जब वही बेटी आपके सांसद पर आरोप लगा रही है, उस आरोप को कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है, चुनाव को देखते हुए धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर, धिक्कार है ऐसे सांसद पर, आखिरकार उसके हाथ में कौन सी बूटी है जो प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल पा रहे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ये देश की बेटियों के गौरव और सम्मान की बात है, ये सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है। अगर नहीं सुनी जाएगी, जो अभी जो समय दिया गया है, अगर समय तक कुछ नहीं हुआ तो दिल्ली और गाजीपुर के बॉर्डर का आपको याद है क्या हुआ था, उससे भी भयंकर हालात होंगे देश के। ये देश जो अभी गुमराह किया जा रहा है ना, कि एक जाति विशेष के लोग और जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, ये जो बहनें बैठी है ना, ये किसी जाति विशेष की नहीं है, ये देश की बहनें हैं, ये किसी जाति धर्म की नहीं है, बहन बेटी सबकी समान होती है। और अगर यही हालात रहे तो आज देश के अंदर जो, मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग आवाज पहुंचा रहे हैं, यहाँ से जो देश का बिकाऊ मीडिया है वो कोई खबर नहीं पहुंचा रहा, वो केवल विपक्ष की साजिश बता रहा है और एक जाति धर्म को लेकर के चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का ईमान सम्मान अगर बचा हो, आप लोगों को जरा भी अगर अपने मान सम्मान की खातिर, अगर इज्जत की खातिर अगर कुछ हो, तो सोशल मीडिया के माध्यम से इन बहन बेटियों की आवाज पहुंचाते रहना। देश के कोने कोने से देश का हर नौजवान, किसान और महिला जागृत हो चुकी है। कुछ ही समय में ये दिल्ली का जंतर मंतर का मैदान है, आज कुछ ही समय में दिल्ली के चारों तरफ देखना क्या हालात होने वाले हैं। लोगों ने अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए सब कुछ, अपना परिवार, ये मेरा घर परिवार, खेती किसानी सब छोड़ दिया है, क्योंकि ये देश के गौरव और सम्मान की बात है, ये मेरे घर की आपके परिवार की बात नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा इन लोगों में किस प्रकार का रोष है, गुस्सा है, और ये लोग कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग इसी जंतर मंतर पे रहेंगे, जब तक न्याय नहीं लेंगे तब तक नहीं जाएंगे। आप लोग इस पूरी खबर पे क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।